Welcome students in our new class. So today we will discuss the applications of dimension formulas. Last time we discussed that there are three applications of dimension formulas. That is, dimension formulas are used to check the accuracy of any formula, to derive the formula, and to convert the system of one system of unit into another system of unit. So ye teen jo applications the hame bas iske naam naam bataye the, unki detailed explanation hum aaj discuss karenge. Okay. So going to the first topic, that is to convert one system of unit into another system of unit. ठीक है, वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है. पहले तो हम इसका बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे, फिर एक एग्जांपल के हेल्प से क्या कन्वर्ट कैसे करना है मैं आपको वो सिखाऊंगी. ठीक है बेटे, सो फिजिकल क्वांटिटी जब हमने डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, क्या वो इज इक्वल टू एन यू. एन मैग्नीट्यूड था, यू क्या था, यूनिट थी एक पर्टिकुलर सिस्टम में जिसमें आपने इसको मेजर किया है. और फिर मैंने बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू. U1 एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जैसे आप इसको मान लो M के सिस्टम में आपने मेजर किया किसी क्वांटिटी को, तो U1 उसकी यूनिट होगी. और N1 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया उस क्वांटिटी का, जब आपने उसको M के सिस्टम में लिखा है तो उसका इतना मैग्नीट्यूड था. जब आप उसको CGS सिस्टम में लेके चल रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड N2 है. और U2 CGS सिस्टम में उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की यूनिट आपने मेंशन की है. ठीक है, तो इस कन्वर्जन को हम कैसे लिखेंगे. जैसे एक सिस्टम में तो आपको यूनिट पता है और दूसरे सिस्टम में आपको वो निकालनी है, तो कोई भी क्वांटिटी हम मान लेते हैं, रैंडमली हमने माना कि कोई क्वांटिटी आपने ली है पहले सिस्टम में, जब उसको मेजर कर रहे हैं तो M1, L1, T1 फर्स्ट सिस्टम है और उसकी डायमेंशन हमने मान ली क्या है, A B C डायमेंशन है. कोई भी क्वांटिटी है XYZ, कोई भी क्वांटिटी हम मान ले, उस क्वांटिटी को जब हमने फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर किया तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या, डायमेंशन क्या थी उसकी, ABC. फर्स्ट फॉर्मूला सिस्टम ऑफ यूनिट में जब उसको मेजर किया तो वो क्वांटिटी को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया. जब उसी क्वांटिटी को आप सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर कर रहे हो तो डायमेंशन तो अभी भी उसकी वही रहेंगी, डायमेंशन चेंज नहीं होगी. जैसे फोर्स को मेजर कर रहे हो, फोर्स को आपने एक बार तो किया एमके सिस्टम में किया और फिर आप उसको मेजर कर रहे हो किसने, सीजीएस सिस्टम में. तो सीजीएस सिस्टम में जब आप बदलोगे तो जो फोर्स है M1 L1 T-2 इसमें भी उसकी वैल्यू यही रहेगी और एमके सिस्टम में भी उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी. और यहाँ पे जब मैं 2 2 जो लिख रही हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कोई भी अपने जो क्वांटिटी हमने माननी है XYZ कोई भी, उस क्वांटिटी को ये तो सेकंड सिस्टम में मेजर किया है और ये फर्स्ट सिस्टम में मेजर किया है. ठीक है, N1 उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायमेंशन हो गया M1 L1 पावर इन के ABC T1 C N2 M2 L2 T2 A B C ये इसकी क्या है, डायमेंशन है. तो उस क्वांटिटी को हमने इस सिस्टम में मेजर कर लिया. ठीक है, तो N1 की वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन किसी दूसरे सिस्टम में जब आप इसको मेजर कर रहे हो तो इस N2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. इस N2 की वैल्यू आप, ये मान के चलो आपको नहीं पता है. ठीक, तो कैसे करेंगे, आपको इस N2 की वैल्यू चाहिए ना, ये वाली क्वांटिटी जो इधर मल्टीप्लाई में है इस साइड आके क्या आ जाएगी, डिवाइड में. N2 की वैल्यू आपको निकालनी है, N1 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या था M1 L1 T1 पावर इसकी ABC, ये बाय में आ गया M2 L2 T2 A B C, इसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी. तो इसको कैसे लिखेंगे, M1 बाय M2 इस पूरे की पावर क्या आ गई, A, ये पावर M1 की भी M2 की भी इनटू में L1 बाय L2 इस पूरे की पावर B और T1 बाय T2 इस पूरे की पावर C, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, N2 की वैल्यू आ जाएगी जो आपको कैलकुलेट करनी थी. तो ये तो है स्टैंडर्ड पैटर्न. अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से यूज कर रहे हैं हम इसको. देखो भाई, हमने मान लिया एक स्प्रिंग का फोर्स मेजर किया है. ठीक है,
या एमके सिस्टम में मेजर किया मान लेते हैं। अब हम उसको किस में लेके चल रहे हैं, सीजीएस सिस्टम में मेजर कर रहे हैं। तो फोर्स की सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होती है, डाइन। क्या होती है, डाइन। अब आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि इस फोर्स को, एक स्प्रिंग के फोर्स को आप मेजर कर रहे हो, तो इसमें जब उसको मैसे सिस्टम में देखा तो 10 न्यूटन आया है, और जब सीजीएस सिस्टम में इसको देख रहे हैं तो कितना, ये 10 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, ये 10 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा। डाइन फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, जैसे लेंथ की एसआई सिस्टम में मीटर होगी, सीजीएस में सेंटीमीटर, किलोग्राम की एसआई में, सॉरी मास की एसआई में किलोग्राम, और सीजीएस सिस्टम में ग्राम होती है। तो उसी प्रकार फोर्स की यहाँ पे न्यूटन और यहाँ पे क्या होती है, डाइन। अब आपको ये बताना है कि जब उस फोर्स को आप सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग मेजर करोगे तो ये फोर्स कितने डाइन के बराबर होगा, कितने डाइन के बराबर होगा, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब अगर इसको जो अपना स्टैंडर्ड पैटर्न था उससे कंपेयर करके देखो तो ये जो 10 है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, N1 की। किसकी वैल्यू, N1 की। और न्यूटन क्या है, ये फर्स्ट सिस्टम में इसको हमने मेजर किया है तो ये न्यूटन U1 हो जाएगा। उसी प्रकार N2 की वैल्यू तो आपको निकालनी हो जाएगी, और डाइन क्या हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में उस क्वांटिटी को हमने मेजर किया है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं इसकी, N1, N1 कितना है 10, N1 कितना है 10, U1, U1 क्या था, जब इसको आप इस पार्टिकुलर क्वांटिटी को आपने मेजर किया है MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम में, पहले आप जाओगे अब किसके पास, ये न्यूटन और डाइन किस क्वांटिटी की है, किस क्वांटिटी की यूनिट है न्यूटन और डाइन, फोर्स की। तो आपको सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने कई बार सीखा है, क्या है, M1L1T-2। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे 1, 1 और -2 है, यहाँ पे जो हम ABC लेके चल रहे थे, अब ABC यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 1 -2 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो U1 क्वांटिटी में जब इसको मेजर किया, फोर्स का फॉर्मूला होता है M1L1T-2। M1 क्या है, मास। M1 क्या है, मास। पहले उस मास को आपने MK सिस्टम में देखा है, SI सिस्टम में, MK सिस्टम में देखा है, तो मास को MK सिस्टम में किसमें मापते थे, किलोग्राम में, तो किलोग्राम। अब इस किलोग्राम को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में, तो ये मास कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा, 1000 ग्राम के। कितने ग्राम के, 1000 ग्राम के। मास की पावर कितनी, 1 इंटू में L1। L1 क्या है, लेंथ। लेंथ मीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर कितने के बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर, 100 इंटू में टाइम। टाइम क्या है, 1 सेकेंड। टाइम क्या है, 1 सेकेंड, मतलब टाइम क्या है, सेकेंड। एमकेएस सिस्टम में भी सेकेंड होते हैं और सीजीएस में भी सेकेंड होता है, तो यहाँ पे तो हम सीजी क्या लिख लेंगे, सेकेंड ही लिख लेंगे। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, -2, ठीक। N2 को N2 लिखो क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी है। U2 जब आप लिखोगे तो मास को 1 ग्राम, इसकी पावर 1, लेंथ को सेंटीमीटर, और ये सेकेंड, और ज्यादा करो तो आप इसको ग्राम ग्राम लिख दो, चाहे ये सेंटीमीटर लिख दिया और ये 1 सेकेंड लिख दिया, यहाँ पे ग्राम और ये सेंटीमीटर और ये सेकेंड, पावर कितनी है, -2 है, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो अपना ये निकल के आया था ना, N2 की वैल्यू वाला, तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू यूज कर सकते हो, यहाँ पे 10 इंटू में M1/M2 की पावर 1। M1 कितना है, 1000। M1 कितना है, 1000। M1/M2, M2 कितना आया, 1 ग्राम, पावर कितनी, 1। L1/L2, L1 कितना है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। ये हमारा MKS सिस्टम था, ये अपना CGS सिस्टम है। तो MKS को आपने अब बदलना है किसमें, CGS में। यहाँ पे किलोग्राम था तो उस किलोग्राम को आपने ग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, इसकी पावर 1, और ये 1/1 की पावर -2 इज इक्वल टू N2। 10 इंटू में 1000 मीन्स 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, क्या आ जाएगा, 10 की पावर 5
न्यूटन, सॉरी, इज इक्वल टू एन टू। एन टू क्या था? इतना डाइंग। तो अब इस क्वांटिटी को अगर आप डाइंग वाले सीजेस सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो 10 न्यूटन आपके पास कितने डाइंग के बराबर आ जाएगा? 10^6 डाइंग के बराबर। ध्यान रहे बेटे, यहाँ पे मैं 10 लेके चली हूँ, और जो स्टैंडर्ड अपना रिलेशन हमें जो याद रखना होता है वो रिलेशन हम क्या याद रखते हैं, 1 न्यूटन = 10^5 डाइंग, ये तो हम याद रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे शुरू में ही कितना लेके चली हूँ, 10 10 10, तो यहाँ पे 10 न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा, 10^6 डाइंग के बराबर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। इस फॉर्मूले को हम ये पे रखते हैं, मैं ये वाला चेंज कर रही हूँ। जाएगा
1 joule is equal to 10^7 अर्ग. 1 joule किसके बराबर होता है? 10^7 अर्ग के बराबर होता है. और 1 newton किसके बराबर था? 10^5 डाइन के बराबर था. ठीक है बेटे, तो ये आपको इनके रिजल्ट भी याद रखने हैं. इनके फाइनल रिजल्ट तो याद रखने ही है क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये बार बार यूज होंगी ये चीजें. ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये जो एप्लीकेशन थी इसकी डायमेंशन फॉर्मूलाज की, उसके सेकेंड एप्लीकेशन पर हम चलते हैं. Next topic will be discussed in the next lecture. Thanks for today. Enough for today.